start with French Revolution. Start with one mark questions. First of all, आपको years पता होने चाहिए. Years आपको पता होंगे. Then you can do the events. Events को आप sequence order में then you can write. If you don't know the years, then you can't write the events in serial order. Now listen carefully. Louis XVI became the ruler of France in 1774. Then इसके बाद आपको पता होना चाहिए. Years पहले मैं सारे बोलूंगी. मीटिंग ऑफ ए स्टेट जनरल 1789, साथ में डेट मेंशन है तो यू हैव टू लर्न द डेट, 5 मई. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि थर्ड स्टेट पीपल वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग 20 जून 1789. देन यू शुड नो द फायर डिक्री 4 अगस्त 1789. तो ये सीरियल ऑर्डर में अगर पता होंगे देन यू कैन राइट द इवेंट्स इन प्रॉपर मैनर. देन रिवोल्ट बेस्टाइल फोर्ट 14 जुलाई 1789. क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर्स हैं तो इसलिए आपको बातें भी हैं टिप्स भी हैं. नेक्स्ट इसके बाद आपका आ जाता है बेस्टाइल फोर्ट के बाद आपका आ जाता है व्हेन वाज लुई 16 एग्जीक्यूटेड 21 जनवरी 1793. अब बीच में आ गए जैकोबिन्स. जैकोबिन एक क्लब था 1793-94 का पीरियड इन फ्रेंच हिस्ट्री केम टू बी नोन एज रेन ऑफ टेरर. रेन ऑफ टेरर का पीरियड कहा गया. जैकोबिन्स ने 1794 में रॉबेस्पियर अबॉलिश स्लेवरी, ठीक है, ये इयर्स मेंशनड है. एंड इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट री इंट्रोड्यूस स्लेवरी. अगर आपको स्लेवरी की जगह आ जाए री इंट्रोडक्शन ऑफ मोनार्की इन फ्रांस तो दैट इज अगेन 1804. अगर आपको इसकी जगह आ जाए नेपोलियनिक कोड अगेन 1804. नेपोलियन बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस अगेन 1804. 1804 के कितने क्वेश्चंस हैं इवेंट्स में, ये कोई भी एक देके पूछा जा सकता है. इंट्रोडक्शन ऑफ मोनार्की, इंट्रोडक्शन ऑफ स्लेवरी, इंट्रोडक्शन सॉरी री इंट्रोडक्शन ऑफ मोनार्की, री इंट्रोडक्शन ऑफ स्लेवरी, फिर नेपोलियन बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस. या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है नेपोलियनिक कोड वर इशूड इन, तो आपको ईयर्स पता होनी चाहिए, ठीक है, 1804. इसके बाद आपको पता होनी चाहिए बैटल ऑफ वाटरलू 1815. फिर आपको ये पता होना चाहिए स्लेवरी वॉज टोटली अबॉलिश्ड इन फ्रांस 1848. मेन इन फ्रांस गोट राइट टू वोट 1791. फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 1791. वुमेन इन फ्रांस गोट राइट टू वोट इन 1946. तो ये सारे आपको याद होने चाहिए. इसके बाद आपको जैसे कि ये याद होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया वाज फॉर्मड इन 1946. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, कब उन्होंने अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949. तो ये पता होना चाहिए. Constitution came into power in 1950. South Africa became republic in 1994. Nelson Mandela released from jail in 1992. फिर Nelson Mandela spent 10 years. 1994 में से 28 minus, तो आपको कौन सा year मिल जाएगा? It means Nelson Mandela was arrested in 1964. तो ये चाहे ईयर नहीं दिया हुआ थे कैनास पूछा जा सकता है ये ईयर, बिकॉज उसका रिलीज का ईयर दिया हुआ है एंड साथ में बताया गया कि 28 years ही स्पेंट इन जेल, तो आप उसको आराम से कर सकते हो, ठीक है. तो ये सारे ईयर्स आपको, एंड मोतीलाल नेहरू ड्राफ्टेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन 1928. मोतीलाल नेहरू प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन 1928. तो ये सारे ईयर्स हैं जिनको आपको सीरियल ऑर्डर में अगर लिखना आए, ईयर्स मेंशन नहीं होंगे वहां पे, ईयर्स दे दिए फिर तो आपका काम इजी कर दिया. ये एक मिक्स्ड कहते हैं ना, मिक्स्ड वेजिटेबल की तरह डाल देने हैं और आपको कहना राइट दम इन सीरियल ऑर्डर, ठीक है. अब आप फिर बाकी का हम टॉपिक करते हैं. अगर मैच द कॉलम आते हैं तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट यू नो इट वेरी वेल हाउ मच द परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन 10%. 90% कौन थे थर्ड स्टेट. लैंड कितनी थी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के बाद 60 एंड थर्ड स्टेट 40%. फिर सॉरी एंड डायरेक्ट टैक्स टेलिंग
डायरेक्ट टैक्स कौन सा था इसमें से, टेले एंड टैक्स कलेक्टेड बाय चर्च टिथ 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। जो क्लर्जी थे दे वर कौन थे, मनी लेंडर्स और पीपल ऑफ चर्च, पीपल ऑफ चर्च बिशप्स प्रीस्ट। एंड जो सेकंड एस्टेट थी नोबिलिटी वो कौन थे, मनी लेंडर्स लैंडलॉर्ड्स, है ना। थर्ड एस्टेट मिक्सचर, तो इसमें आपके आ गए बुक्स जो फिलोसफर्स हैं एंड उनकी बुक्स उनके आइडियाज। कुछ भी आपसे जैसे ये लाइन देके पूछा जाए कि हु सेड दैट पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हु क्रिटिसाइज एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, जॉन लॉक। हु क्रिटिसाइज एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की इन हिज बुक, जॉन लॉक। Who said that there should be social contract between people and their representatives? Rousseau. तो अगर ये पता ही नहीं होंगे तो how can you write? एक बात और, जो Voltaire is not given in your book, वो मैंने वैसे ही extra कर पाया था, तो Voltaire का तो मुझे नहीं लगता question आएगा, बाकियों के आ सकते हैं। Rousseau, Montesquieu, John Locke, learn these. Voltaire आगे जाकर 10th में भी नहीं है, but आपको extra करवाया हुआ। तो एक तो ये फिलोसफर्स से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन मैच द कॉलम बन के आए या एमसीक्यू में आए। तो नेक्स्ट इज फिर आ जाती है सबसिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस, पॉपुलेशन बढ़ी, रीजन क्या था सबसिस्टेंस क्राइसिस, जैसे एजर्शन रीजन में पूछ लिया जाए कि इन फ्रांस देयर सबसिस्टेंस क्राइसिस केम इन फ्रांस बिकॉज देयर वर फेमाइंस, और या फिर इसकी जगह आपको पूछा जाए पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वॉज ग्रोइंग वेरी फास्ट। दोनों ही करेक्ट है, मैंने दो दे दिए ना रीजन, दोनों ही करेक्ट है। मैं कह रही हूँ कि दोनों में से कोई भी रीजन आए तो दो थर करेक्ट, क्योंकि फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस आए तो आप हमें खुद ही पता कि पॉपुलेशन बढ़ी तभी आए ना, फिर हम खुद ही कहते हैं कि वहाँ पे फेमाइंस भी आए थे तो वहाँ पे ट्रेयरी जो थी वो खाली हो रही थी। तो इट मीन्स अगर ये रीजन एजर्शन में आ जाए तो दोनों में से कोई भी रीजन है। एजर्शन मैंने बोली कि सबसिस्टेंस क्राइसिस बोथ आर ट्रू एंड रीजन जो है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो बन रहा है ना वो assertion का correct। बहुत दिमाग लगा के पढ़ना है कि assertion reason वाला एक गलत करोगे तो आपके नंबर तो एक ही जाना है, आप छोटी सी भी गलती करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि देयर वॉज नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन फ्रांस एंड टू फेमाइंस केम इन एंड पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वॉज ग्रोइंग वेरी फास्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लुई 16। Which is false, which is true? A, मैंने तो बोला ही नहीं financial condition of France, मैंने बोला financial condition of France was very good during the period of Louis XVI, हम तो खुद ही कहते हैं treasury was empty, तो ये false नहीं मैंने बोल दिया, देख के करना assertion is false, reason is true, ठीक है वहां पे देखना है। कई बार होता है assertion is true, reason is false, कई बार होता है assertion is both are true but reason is not the correct explanation of assertion, ये पूरा दिमाग लगा के करना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं रॉबस्पियर सेंट पीपल टू गुलेटन, ठीक है, अब मैं साथ में बोलूं लुई 16 वाज एग्जीक्यूटेड इन 21 जनवरी 1793, मैंने दोनों ही ट्रू बोले बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। समझ आ रही है ना, ये बिल्कुल इनको दिमाग लगा के करना, आपके गलत नहीं होंगे। तो इसके बाद आपका आ जाता टॉपिक मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, आपको आता है कौन बाहर आए थे, पीपल ऑफ थर्ड स्टेट कितनी लेटर्स के साथ आए थे 40,000, उनको क्या वहां पे वेलकम किया गया, नो दे वर स्टैंडिंग एट बैक एंड देयर व्यूज वर नॉट टेकन, उनके व्यूज भी नहीं लिए गए थे, दे वर नॉट वेलकम्ड बाय द पीपल ऑफ द फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट। थर्ड स्टेट सेंट हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव 600, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट ने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे एंड थर्ड स्टेट सेंट 600 रिप्रेजेंटेटिव्स एंड यू नो इट वेरी वेल कि वोटिंग जो थी दैट वाज टेकन इन द फेवर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, दैट्स व्हाई ना थर्ड स्टेट पीपल केम आउट ऑफ द मीटिंग मेट एट टेनिस कोर्ट ग्राउंड एंड डिसाइडेड टू क्लेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस एंड वॉन्टेड टू गिव लिमिटेशंस टू द पावर्स ऑफ लुई 16। तो इस वे से लुई 16 की पावर्स को लिमिटेशंस देना चाहते थे एंड डिसाइडेड टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। अब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया इन 1791, मेल ऑफ थर्ड स्टेट वर बिजी इन फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, मेल जो थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थे।
अब इधर वुमेन हैड टू डू हाउस होल्ड वर्क, वुमेन को सारा घर का काम करना आता था। तो वुमेन जो थी वो बेस्टाई कोर्ट को जो आग लगाने वाली थी वो कौन थी, मोस्टली वुमेन। तो बेस्टाइल वाज स्टोन डाउन 14 जुलाई 1789, ठीक है, इतना आता है ना आपको। अब इसके बाद आप कहोगे कि फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, विट मीन्स अगर आपको पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस वाज प्रिपेयर्ड इन 1791, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं टुक 2 इयर्स टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, 2 साल लगे थे बनाने में, और 1791 में फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्यों लुइस ने एक्सेप्ट किया? अब मैं आपको एमसीक्यू में पूछ लूं, जैसे व्हाई लुइस एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय नेशनल असेंबली, क्यों उसने, बिकॉज देयर वाज वॉल्स, क्योंकि ही वाज इन द फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और देयर वाज वायलेंस इन कंट्री साइड एंड पैरासिटी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? वो तो बिल्कुल फेवर में नहीं था, दैट्स व्हाई मेड सीक्रेट प्लानिंग विद ऑस्ट्रिया एंड रशिया। अब मैं आपको पूछूं, लुईस मेड सीक्रेट प्लानिंग विद ऑस्ट्रेलिया एंड पर्शिया, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। अब सारे नेम कंफ्यूजन वाले हैं, पर्शिया भी एक कंट्री है, कंफ्यूज करने के लिए पर्शिया वर्ड दिया जाता है, समझ आई? पर्शिया सिलेक्ट नहीं करना, ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट नहीं करना, आपने कहीं पे नहीं पढ़े तो आपने इसको 10th तक ऑस्ट्रेलिया पर्शिया, पर्शिया 10th में थोड़ा सा पढ़ोगे, ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ना कहीं पे भी, तो आपने पर्शिया को सिलेक्ट नहीं करना, दैट इज प्रशिया। तो उसने सीक्रेट प्लानिंग की थी। अब यहाँ पे नेशनल एंथम है, पहले तो वो नेशनल सॉन्ग था मर्सिलेस, लेटर इट बिकेम नेशनल एंथम। रॉजर डी आइजल का नेम याद रखो, ठीक है। पूछा जा सकता है कि किसने लिखा नेशनल सॉन्ग, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, रॉजर डी आइजल, तो आपको पता ही है। तो नेक्स्ट इसके बाद आपका आ जाता है कि कैसे लुईस को एग्जीक्यूट किया गया 21 जनवरी 1793 को। अब आफ्टर दैट नेशनल असेंबली को क्योंकि पता चल गया था कौन सा उसके ऊपर आरोप लगा था, बिट्रेल का, ट्रेजन, कि उसने अपनी कंट्री के साथ गद्दारी की, तो लुईस वाज एग्जीक्यूटेड। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ लुईस 16, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन फ्रांस, डिक्टेटोरियल, रिपब्लिकन, डायरेक्टरी रूल। रिपब्लिकन, फ्रांस की उन्होंने असेंबली का नाम क्या रखा था, कन्वेंशन, न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज नोन एज कन्वेंशन। तो जैकोबिन्स आए, जैकोबिन्स का लीडर कौन था, रोबेस्पियर। क्या वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन था, नो, ही गेव पनिशमेंट्स टू दोज हु वर नॉट इन द फेवर ऑफ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या पनिशमेंट देता था, कितने सेंट को गुलेटन। तो गुलेटन का नाम तो पता ही है, डॉक्टर गुलेटन के, ऐसा वाला नॉनसेंस क्वेश्चन दे के तो नहीं पूछने लगे कि गुलेटन वाज दिस डिवाइस वाज नेम्ड आफ्टर, तो नीचे ऑप्शन में डॉक्टर गुलेटन भी लिखा है, बच्चा 1 मिनट में सिलेक्ट करेगा, ऐसे वाले इजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, समझ लगी। एमसीक्यू भी वैसे होंगे कि आप थोड़ी देर उसको सोचोगे, अगर आप बिना सोचे एमसीक्यू करोगे ऐसे वाले एमसीक्यू आपको आने ही नहीं है, थोड़ा टफ है पेपर। तो इसके बाद आपका आ जाता है लुईस रोबेस्पियर जो था, सेंट पीपल टू बुलेटिन। यहाँ पे एक वुमेन थी जिसको पॉलिटिकल क्लब सेटअप करने नहीं दिया गया था, लंपेडी ब्रदर्स। अब यहाँ पे वुमेन की रेवोल्यूशनरी पार्टी का नाम पूछा जा सकता है, यू नो इट वेरी वेल, वुमेन की रेवोल्यूशनरी पार्टी, सोसाइटी ऑफ लर्न इट, ठीक है। फिर आपको पूछा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली स्टार्टेड विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। मैं कह रही हूँ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एज सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मैन एंड चिल्ड्रन। अब मैं कह रही हूँ वुमेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो लंपेडी रोजर्स ने बनाया था, दैट स्टार्टेड विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ ओल्ड पीपल। वुमेन ओलंपेडी गोजेस आए तो वुमेन, और वैसे सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन आए तो मैन। तो इसके बाद आपका आ जाता है रॉबस्पियर के बाद डायरेक्टरी रूल, हाउ मेनी डायरेक्टर्स वर देयर, फाइव। क्या ये एक मोनार्की लेके आए थे, डिक्टेटर लेके आए थे, कि पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेटिव, पावर्स की डिवीजन थी, डायरेक्टरी रूल में पावर्स की डिवीजन थी, ना तो ये डिक्टेटरियल थी ना ये मोनार्की थी, ये डिवीजन ऑफ पावर थी। बट देयर वर, क्योंकि ये क्या लेके आए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि इनमें क्लैश। अब मैं एजर्शन में बोलूं, डायरेक्टरी रूल ब्रोट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन फ्रांस,
फिर मैं बोलूं देयर वर क्लैशेस बिटवीन द डायरेक्टर्स व्हाट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ये चीजें पहचाननी है बस. फिर कोई कुछ अजर्शन रीजन तो मुझे लगता है उल्टा ज्यादा इजी होते हैं सीक्वेंस ऑर्डर में लिखने से. अजर्शन रीजन ज्यादा इजी होते हैं. सीक्वेंस ऑर्डर तब बच्चा कर पाएगा अगर उसे इयर्स आते होंगे. उसे पता होगा टेंथ में क्या बच्चे पहले पढ़ते हैं इटली की यूनिफिकेशन, बाद में पढ़ते हैं जर्मनी की यूनिफिकेशन. बुक में ऐसे है तो जब उनको सीक्वेंस ऑर्डर में दो ना वो इटली पहले करते हैं जबकि जर्मनी पहले करते हैं क्योंकि जर्मनी पहले पढ़ते हैं इटली बाद में पढ़ते हैं. सॉरी वो करते हैं जर्मनी पहले सिलेक्ट जबकि वो गलत है. अगर ईयर्स को जिस बच्चे ने लर्न किया क्योंकि वो ही 1871 इटली हुआ 1861 में तो अगर हम ईयर्स को देखें तो फिर इटली पहले आता है. अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चलें तो फिर जर्मनी पहले आता है. अगर हम बिल्कुल ही बुक के अकॉर्डिंग चलें तो ट्रीटी ऑफ वियना 1815 वो तो कितनी देर बाद बुक में बताया हुआ है बिगनिंग 1848 से हो रही है. तो अगर ईयर्स करके चलेंगे ना कोई इवेंट अगर पहले पीछे बुक में दिया भी हुआ यू कैन डू इन करेक्ट ऑर्डर यू कैन राइट इन करेक्ट ऑर्डर अगर आपको ईयर्स पता हुआ. अगर ईयर्स नहीं पता हुआ तो आपका सारा सीक्वेंस खराब. और एक बात और सुन लो ए बी ऑप्शन देख के आंसर पे बिलीव मत करना. आपको लगे कि ए के साथ फर्स्ट आपको लगे कि मैच हो गया ए ए फर्स्ट वाली ऑप्शन मैच आपको दिखे कि हो रही है सेकंड भी हो रही है थर्ड फोर्थ भी तो मैच करके देखो हो सकता है थर्ड फोर्थ मैच ही ना हो रही हो. ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं आपकी फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन मैच की हुई है थर्ड फोर्थ मैच नहीं करके दी हुई सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कि वो बच्चा कर पाएगा जिसने सारी ऑप्शंस को मैच करके देखा. ऐसे वाले हैं जैसे मैं बोलूं फर्स्ट ऑप्शन में आंसर एक मिनट में आपको हिंट बताती हूँ. जैसे एक मिनट इधर मैंने कह दिया ए फिर इधर मैंने दूसरे का आंसर दिया सी तीसरे का मैं लिख दूं डी फोर्थ का मैं लिख दूं बी. ठीक है इमेजिन ये दोनों ठीक है. अब नेक्स्ट में मैंने फिर ऐसे दे दिया आपने तो ए बी सिलेक्ट करना है ना. ये देखो मैंने ये फिर ऐसे कर दिया थर्ड में मैंने यहाँ पे बी कर दिया फोर्थ में मैंने यहाँ पे डी कर दिया. अब बच्चे ने अगर इसी को फड़के कर दिया मैं इमेजिन मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा मैं बता रही हूँ बच्चे ने सिर्फ इसी को देख के कर दिया हो सकता है ये वाली ऑप्शन करेक्ट होती आपने ये तो पढ़ी नहीं. आपको चारों मैच करने के बाद आपको ऑप्शन लिखनी है और वाइटनर यूज नहीं करना. यू नो इट वेरी वेल एमसीक्यू जब हम करते हैं ओएमआर पे वाइटनर इज नॉट अलाउड टू ऑप्शंस यू कांट राइट. कई बार क्या होता है बच्चा एक ऑप्शन लिखता है बाद में फिर उसे क्रॉस करता है दूसरी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है क्रॉस एंड एक और लिखी हुई विल गिव जीरो बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड टू ऑप्शन. चाहे आपने एक ऑप्शन पे क्रॉस लगा दिया चाहे आपने ऐसे कर दिया जैसे ये आपने ऐसे कर दिया फिर दूसरी को आपने डार्क कर दिया तो ये दो हमें शो हो रही है यू विल गेट जीरो फॉर दैट. ये कंसिडर नहीं होना आप एक पे व्हाइटनर यहाँ पे व्हाइटनर लगा के गंदा किया हुआ है इसको सिलेक्ट किया ये भी नंबर नहीं है. बहुत केयरफुली करना एक ही बार 40 ऑप्शंस करेक्ट करनी है. पहले पूरा रफली अपने दिमाग में पेपर बना के पेन के साथ आपको अपना पहले रफली दिमाग में प्रिपेयर कर लेना. ये होता है कि ये नंबर नहीं देते व्हाइटनर लगा हुआ नंबर नहीं दिलाता दो दो ऑप्शन सिलेक्ट किया वो नंबर नहीं दिलाता वो जीरो कंसिडर होना है. दो दो अगर सिलेक्ट हुई पहले सारा रफ 40 क्वेश्चन है क्या सारा रफ सॉल्व करना पहले अपने दिमाग में. रफ मीन्स पेंसिल से एक बार हल्का हल्का सेट कर लेना उसके बाद आप पूरा सोच समझ के फिर उसको अपना पेन से कर देना लास्ट. पहले ही आपने बेवकूफों की तरह अगर रिएक्ट किया पढ़े ही नहीं जैसे यही मैं बता रही हूँ बहुत दोनों में एसी है अगली वो तो आपने केयरलेसनेस दिखाई कि आपने ये मैच करके बाकी देखी नहीं आपने आंसर लिख दिया. ये हैं ऐसे क्वेश्चंस हैं मैं खुद बोल रही हूँ ऐसे हैं आपको सारा प्रॉपर मैच करके आंसर लिखना समझ आ गई. तो इस वजह से नेक्स्ट इज इसके बाद आए थे डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स 5 लोगों में पावर्स थी डिवाइडेड इंस्टेबिलिटी लेके आए. तो फिर आया नेपोलियन. अर्लियर नेपोलियन वाज मिलिट्री लीडर बना मिलिट्री डिक्टेटर डिक्टेटर से बना रूलर ऑफ फ्रांस 1804 में ही बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस. As he attacked on other European countries made an alliance against Napoleon
एंड डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। तो इसी के बाद आपका 10th का टॉपिक स्टार्ट होना है एंड यूरोपियन कंट्रीज दैट डिफीटेड नेपोलियन कौन कौन थी, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया एंड प्रशिया। लर्न द नेम ऑफ दीज कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया एंड प्रशिया। फ्रांस का ट्रायंगुलर ट्रेड था, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आपको सिलेक्ट करने हैं। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपको अफ्रीका, अफ्रीका कौन कौन से तीन कॉन्टिनेंट्स है, यूरोप, अफ्रीका एंड क्या, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ पे साउथ अफ्रीका था, अफ्रीका चलो कॉन्टिनेंट था, यहाँ पे साउथ अमेरिका था, नहीं तो आपको ये कॉन्टिनेंट ही देके गलत और एक पेयर ठीक का देके, तीन करेक्ट देके, बाकी तीन गलत गलत सारे देके फिर आपको पूछा जाना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको तीनों कॉन्टिनेंट्स पता है, कौन से कॉन्टिनेंट्स थे, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, तो आपको ये तीन लर्न रखने हैं। बाकी आपको कुछ भी दे दें, एक में नॉर्थ अमेरिका लिख दिया जैसे फर्स्ट में, सेकंड में फिर अफ्रीका लिख दिया, थर्ड में जाके ऑस्ट्रेलिया लिख दिया, तो अपने आप सोचो थर्ड वाला फिर रॉन्ग है ना। बच्चा अगर ए बी करके करेगा तो उसका गलत होना है। फिर पूरा 4 ऑप्शंस हैं, तीन तो किसी में भी नहीं है, मैंने यहाँ पे तीन बोली हैं, 4 ऑप्शंस हैं, तो चारों ऑप्शंस मैच करने के बाद आंसर लिखना। तो इसके बाद फ्रांस चैप्टर में और तो कुछ नहीं है, बाकी आपने सारा किया, इयर्स मैंने बोल दिए कि अगर इस वे से जो मैंने बोला अगर ये सब कुछ आता है देन नो प्रॉब्लम, आपको कोई पेपर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैंने लर्न कराया लर्न लाइक दैट, इयर्स इवेंट्स कर लोगे, मैच द कॉलम कर लोगे, नो प्रॉब्लम, आपको कोई assertion, reason, आप आराम से करोगे। केस स्टडी जो होगी फ्रांस में से, वो केस स्टडी आपको दे के, हो सकता है केस स्टडी में एक भी आंसर ना हो, तो वहां पे आपने अपना कह लो कि अपने वे से अपना सोच के, बुक पढ़ी हुई है ना सारी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो यू कैन गिव आंसर्स, आप दे दोगे आंसर्स, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। केस स्टडी आप कर लोगे बिकॉज 4 आंसर्स, उनकी नंबरिंग जो होगी सेम नंबरिंग वहां पे लिखना, जो नंबर क्वेश्चन का है वही मार के आना चाहिए, एक क्वेश्चन स्किप, सारा ऑर्डर गलत, बस ये चीजें बहुत केयरफुली करना, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होती पेपर करते वक्त। इसके बाद आ जाओ आप सिविक्स, डेमोक्रेसी, कौन सी कंट्रीज, डेमोक्रेसी के फीचर्स पता होने चाहिए, 3 फीचर्स करेक्ट देके पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ द गिवन फीचर्स वन इज नॉट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो आपको वहां पे सिलेक्ट करना है कि कौन सा फीचर डेमोक्रेसी में मैच नहीं होता, ठीक है, फिर और वो बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको कि मैच है। जैसे भी मैंने कल बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैन बी मेड बाय सिंगल लेवल, तो आपको तो पता गया कि नहीं, क्योंकि फिर तो रॉबर्ट मुगाबी वाला रूल आ गया, वो खुद ही चेंज करता होता था, तो वो डेमोक्रेटिक तो हम उसको कहते ही नहीं है। या फिर बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस कैंडिडेट्स हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम रूलिंग पार्टी, अगर डेमोक्रेसी के फीचर में लिखा जाए तो ये मैच ही नहीं होना, ठीक है ना। तो इस वे से आपको पता ही है, आपको ये आप कर लोगे। तो नेक्स्ट इसी में आपको जैसे पूछा जाए 1 person 1 vote 1 value, इनमें से एक कंट्री फॉलो करती है, ठीक है। अब आपको दिया जाए एस्टोनिया, फिजी, रशिया एंड यूएसए, सॉरी एक मिनट, रशिया नहीं मैंने बोलना था, एस्टोनिया, फिजी, सऊदी अरेबिया एंड यूएसए। अगर यूएसए की जगह रशिया हो तब भी, अगर रशिया की जगह इंडिया हो तब भी, ठीक है ना। तीन तो आपको पता ही है कि वहां पे 1 person 1 vote 1 value फॉलो नहीं होता। नेक्स्ट इज अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर 6 years, तो आपको तो बिना ऑप्शन ही पता है मैक्सिको, आपको वही कंट्री का पूछा जाएगा जिस कंट्री के बारे में बुक में मैंशनड है, वो कंट्री जो बुक में मेंशन नहीं है वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। फिर आपको जैसे पूछा जाए कि एक कंट्री है जहाँ पे लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट ही नहीं है, और फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए यूएसए, यूके, इंडिया, जिम्बाब्वे, क्योंकि वहां पे लोगों को राइट ही नहीं है प्रोटेस्ट करने का, वहां पे वो अपनी एसोसिएशन भी नहीं बना सकते जिम्बाब्वे में, वहां पे मीडिया तक इंडिपेंडेंट नहीं है, जजेस के डिसीजन चेंज हो जाते हैं वहां पे, तो इट मींस लोगों के राइट्स की रिस्पेक्ट जिम्बाब्वे में नहीं है। पीआरआई की फुल फॉर्म पूछने के लिए आपको जैसे पूछा जाए, आपको तो वैसे ही पता इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, अब अगर कंफ्यूज करना हो किसी बच्चे को जिसने नहीं पढ़ा उसको कंफ्यूज किया जा सकता है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन, तो उस बच्चे ने सोचना है पीआरआई,
पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन में भी करेक्ट, उसने तो ऐसा सोचना, उसको होना ही नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, उसको लगना ये तो गलत है, उल्टा चल रहा है ये तो। तो आपने इसको किया हुआ है तो इसलिए आप इसको गलत नहीं करोगे। PRI की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, और अगर इसको मैं बोल दू पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन तो वो गलत हो जाएगा ना, तो इस वे से आपको पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट इज कहाँ पे जो प्रेसिडेंट था उसने अपने आप को लेस अकाउंटेबल बनाया, आपको पूछा जाए जैसे USA, फिर आपको पूछा जाए इंडिया, और फिर आपको पूछा जाए जिम्बाब्वे, क्योंकि वहां का प्रेसिडेंट जो था वो लेस अकाउंटेबल बन गया। उसने अकाउंटेबल का मतलब पता है ना, आंसरेबल, वो लोगों को फेस ही नहीं करता था वहां का प्रेसिडेंट। रॉबर्ट मुगाबी कहाँ का प्रेसिडेंट था, यू नो इट वेरी वेल। कौन सी रूलिंग पार्टी थी, ZANU-ZANU-PF, और कहाँ कौन सी पार्टी वाज रूलिंग पार्टी इन मेक्सिको, PRI। तो इस वे के क्वेश्चन आएंगे, आप कर लोगे। अगर मैं पूछूं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन डू। अगर मैं पूछूं चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, तब भी कर लेना। और अगर आपसे पूछा जाए आउट ऑफ दीज, आपको बताना है कि हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ध्यान से सुनो। बलदेव सिंह, दुर्गाबाई देशमुख, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। गांधी जी वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बलदेव सिंह मेंबर थे, ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख वुमेन मेंबर थी, तो सरोजनी नायडू तो सबको ही पता है। वुमेन मेंबर्स देके बीच में एक करेक्ट देके, बाकी तीन रॉन्ग देके भी पूछा जा सकता है। आउट ऑफ दीज विच वॉज द वुमेन मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो इस वजह से आपको पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पूछा जा सकता है। दैट फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, दैट इशू मैनिफेस्टो, एंड दैट सिलेक्ट द इलेक्शन कमीशन, क्या करती है दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री, दैट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। तो इस वे के क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि आपने सारा पढ़ा हुआ, यू कैन डू। अपार्थीड कहाँ पे फॉलो की गई, साउथ अफ्रीका, ANC की फुल फॉर्म। हाँ, ये ऐसे वाले क्वेश्चन, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मेंबर्स ऑफ ANC। अब मैं जैसे बोलूं कि ऑल व्हाइट्स एंड फ्यू ब्लैक्स, फिर मैं बोल रही हूँ फ्यू व्हाइट्स एंड ऑल ब्लैक्स, विच इज करेक्ट, फ्यू व्हाइट्स एंड ऑल ब्लैक्स, क्योंकि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने वाले मेजोरिटी जो थी दैट वाज ऑफ ब्लैक्स, और सम व्हाइट्स, बिकॉज ऑल व्हाइट्स वर नॉट बैड, कुछ व्हाइट्स अच्छे थे, उनको जो थे ब्लैक्स उनके साथ जो भी इनजस्टिस हो रहा था, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दैट इनजस्टिस। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आप कहोगे कि फ्यू व्हाइट्स एंड ऑल ब्लैक्स। तो नेल्सन मंडेला जो था वो ब्लैक लीडर था कि व्हाइट, ब्लैक, ब्लैक्स का लीडर था नेल्सन मंडेला।